नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेलवे में यूपीएससी सिविल एग्जाम के तहत एक पद और मिलता है जिसका नाम है आरपीएफ। तो ये क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं, कैसा पद है, इसके विषय में हम आपको अपने इस वीडियो में जानकारी देंगे। और ये मिलता आपको वही यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा ही है। अगर आप वो एग्जाम पास कर लेते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू क्रॉस हो जाता है तो आपको रैंक के आधार पे ये भी पद मिलता है। तो कैसा है, अगर आपको मिला क्या करना होगा, ये सारी जानकारी अपने इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं कि आरपीएफ में जो ऑफिसर होते हैं वो क्या काम करते हैं, और ये डायरेक्ट ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं आरपीएफ में, डायरेक्ट ग्रुप ए, तो इनका काम क्या होता है रेलवे में, तो चलिए बताते हैं वीडियो में। तो आरपीएफ रेलवे में क्या काम करती है, इसका पूरा फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आरपीएफ का मेन काम एक ही होता है, रेलवे की जो असेस्ट है, रेलवे के सामान है, उनको नुकसान ना पहुंचे, उनकी चोरी को रोकना। और रेलवे में जितने भी टाइप के जो पैसेंजर चल रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और रेलवे के सामान को चोरी होने से बचाना। तो आरपीएफ का मेन काम तो यही है सिर्फ, कि रेलवे के सामान को चोरी होने से बचाना। दूसरा, रेलवे के जो अपने पैसेंजर हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेना कि वो सुरक्षित सफर कर सके। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा पैसेंजर उनको सीट को ऑक्यूपाइड करके बैठा है। ये सारे काम आरपीएफ के होते हैं। तो अब ये होता कैसे है, कोई तो इसको मैनेज करने वाला होगा। तो रेलवे में आरपीएफ वाले होते हैं जो हर ट्रेन में चलते हैं, स्टेशन पर पोस्टेड होते हैं, और वो कर्मचारी ग्रुप सी में आते हैं, उनमें भी आपके सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उन सबको मैनेज करने के लिए कोई ऑफिसर होता होगा। तो वो ऑफिसर कौन होता है, यही लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू आरपीएफ में आते हैं, वो ही ग्रुप ए में, डायरेक्ट ग्रुप ए में आते हैं लोग। तो ये पूरा का पूरा एक डिवीजन का, फिर बाद में डिवीजन से ऊपर जोन का प्रमोशन पाके वहां भी जाते हैं लोग, तो उसका मैनेजमेंट यही लोग देखते हैं, इनका ही जिम्मा होता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत काम करते हैं, ये बिल्कुल अपने काम के लिए स्वतंत्र होते हैं, इनको फुल पावर होती है कि आपको रेलवे की जो चोरी है उसको रोकना है, रेलवे की जो असेस्ट है उनको बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है, किसी प्रकार की रेलवे की जो सामान है उसको क्षति ना पहुंचे, इसकी पूर्णता जिम्मेदारी और फुल पावर इसको सुरक्षित रखने के लिए आरपीएफ को होती है। कोई भी हो अगर रेलवे का एक भी किल चोरी करके ले जा रहा हो तो अगर ये लोग पकड़ते हैं, समझे, तो इनकी जिम्मेदारी होती है वो, अगर ये लोग पकड़ते हैं तो डायरेक्ट उसको जैसे पुलिस ट्रीट करती है वैसे ही ये लोग ट्रीट करते हैं, उसको ले जाते हैं, उस पर धारा लगाते हैं, उसको चार्ज करते हैं जो भी, या फिर जज के सामने पेश करते हैं, या तो उसको जो फाइन रेलवे ने निर्धारित किया है कि अगर आपने जैसे रेलवे को क्षति पहुंचाई, चैन पुलिंग करना है, अनऑथराइज चैन पुलिंग करके कोई उतर रहा है उसको पकड़ लेते हैं, तो उसको पकड़कर क्या करते हैं, फाइन, रेलवे ने निर्धारित किया है कि अनऑथराइज चैन पुलिंग करे तो कम से कम उसे 1000 रुपए का फाइन भरना है, अगर वो देने से इनकार करता है तो फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और उसके लिए सजा निश्चित जो की गई है, अगर फाइन नहीं भरे तो फिर सजा जो मजिस्ट्रेट निश्चित करेगा वो सजा उसे मिलेगी। तो अगर कोई आदमी रेलवे से कोई सामान चोरी कर रहा हो, यहां तक कि रेलवे के कर्मचारी भी अगर कोई भी काम जैसे कि अनऑथराइज कर रहा हो जिससे कि रेलवे को हानि पहुंचे, क्षति पहुंचे, या फिर उसकी चोरी कर रहा हो सामान की, तो भी आरपीएफ को उसको भी पकड़ने का पूरा पावर होता है, और वो पकड़ के उसको वही रेलवे की धाराओं के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उसको मजिस्ट्रेट जज के सामने पेश करती है, और जो भी सजा उसको होगी वो भी सामान्य आदमी की तरह उसको सजा होती है। तो बहुत ही पावर है। तो ये आरपीएफ वालों का काम है इसको पूरा मैनेजमेंट करवाना, किसको कहां ड्यूटी पे लगाना है, किससे ये काम करवाना है, किसको कहां पोस्ट देना है, किसको प्रमोशन करना है, किसको, यही सारे काम
ये और रेलवे की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं ऑफिसरों पर होती है, और आरपीएफ जो वाले ग्रुप सी कर्मचारी हैं आरपीएफ के, उनके मैनेजमेंट का पूरा काम इन्हीं ऑफिसरों के ऊपर होता है। बहुत ही पावरफुल पद है ये, समझ लो। स्वतंत्र होते हैं वर्किंग के लिए, और इस पूरी रेलवे की जो फैसिलिटीज होती हैं उनको पास, शुरुआत से ही जो 6 पास हैं, और आपको कहीं भी आने जाने के लिए आपको एक ड्राइवर और पर्सनल गाड़ी दी जाएगी, आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फिर और कहीं आपके जो क्षेत्र है आपका, आपके अंडर में, उसमें कहीं भी इंस्पेक्शन आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी सुविधाएं इनको मिलती हैं, और ये काम होता है इनका कि रेलवे की किसी भी प्रकार से जो चोरी है यह सामान की, और कोई भी किसी प्रकार का क्षति पहुंचाता है या अनऑथराइज नियम के विरुद्ध काम करता है, उस पर ये लोग कार्रवाई कर सकते हैं आरपीएफ वाले। तो उन्हीं आरपीएफ के ये लोग ऑफिसर होते हैं, ये लोग करवाते हैं, इन लोगों से पूरा मैनेजमेंट इनके हाथ में होता है। तो ये तो था आरपीएफ का ऑफिसर। तो ये भी कहां से मिलता है? सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ही मिलता है। जी हाँ, तो अगर आपकी रैंक ऐसी नहीं आई हो सिविल सर्विसेज में एग्जाम में कि आपको आईएएस आईपीएस जो पद हैं वो नहीं मिल पाते हैं, तो आपको ये भी मिलता है रैंक वाइज। वो तो आपकी चॉइस है, अगर आपको ये जैसे लगता है कि आईपीएस नहीं बने तो आप इसको भी ले सकते हैं। पर इनका जो हेड होता है, डायरेक्टर जनरल जो रेलवे बोर्ड स्तर पर बैठते हैं, वो सारे के सारे ऑफिसर आईपीएस ही होते हैं। मैंने पहले बताया था आईपीएस वाले वीडियो में कि जो भी वर्दीधारी होंगे उनका हेड आईपीएस ही होता है। सभी जगह, सभी डिपार्टमेंट, जहां भी वर्दी होगी सबसे बड़ा उच्च अधिकारी आईपीएस ही होगा। ये लोग भी ऑफिसर बनते हैं, पर उस बड़े से बड़े लेवल के ऊपर नहीं जा पाते ये लोग, वो आईपीएस ही जाते हैं। इसलिए आईपीएस को वरीयता हर कोई देता है। अगर आपको नहीं मिलती है तो ये भी ग्रुप ए, हाँ, जो भारत सरकार के में सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं ग्रुप ए, वो ये लोग भी होते हैं, डायरेक्ट ग्रुप ए होते हैं लोग। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बने तो आप तैयारी अपनी चालू करें, और जो हमने वीडियो बनाया था आईएएस के लिए उसमें हमने तैयारी के विषय में बताया था कि आपको तैयारी कब तक चालू कर देनी चाहिए, कैसे चालू कर देनी चाहिए, कौन सब्जेक्ट का चुनाव करना है, आपको एक सब्जेक्ट निश्चित करना है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, और बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलना है, ताकि 12वीं तक आप इस तैयारी जो सब्जेक्ट है वो लेके चलें और उसकी तैयारी कर लें, और जो ग्रेजुएशन है उसमें वही सब्जेक्ट लें जिससे आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। तो आपका ग्रेजुएशन भी होगा, साथ साथ में वो सब्जेक्ट की तैयारी भी अच्छी से हो जाएगी, और आप फिर एग्जाम जो ग्रेजुएशन करने के बाद दे सकते हैं, तो 1-2 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और अगले वीडियो में हम आपको सिविल सर्विसेज के थ्रू मिलने वाले दूसरे और पदों के विषय में जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।